दीपावली पर क्या करना चाहिए क्या नहीं, दान और दीप प्रज्वलन कब करें, इससे क्या लाभ होगा। हजारों साल पहले ऐसे कई सवाल कार्तिकेय के मन में उठे तो उन्होंने पिता भगवान शिव से इन सवालों के उत्तर पूछे। वेद व्यास द्वारा रचित 18 पुराणों में शामिल पद्म पुराण के द्वारा आइए जानते हैं कि भगवान शिव ने क्या जवाब दिया। भगवान शिव ने कहा कि कार्तिकेय, अब तुम कार्तिक मास में दिए जाने वाले दीपदान का महत्व सुनो। जिसने कार्तिक मास में भगवान श्री कृष्ण के समक्ष घी और तिल के तेल का दीप प्रज्वलित किया है, उसने संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान कर लिया और समस्त तीर्थों में गोता लगा लिया। विशेषतः कृष्ण पक्ष में 5 दिन बड़े पवित्र होते हैं। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी से कार्तिक शुक्ल द्वितीया के बीच जो कुछ भी दान किया जाता है वह सब अक्षय और संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। पद्म पुराण के मुताबिक भोजन का दान सभी दानों में सर्वोत्तम है। जो व्यक्ति किसी ब्राह्मण या गरीब को तिल के बीज के बराबर भी सोना दान देता है वह अपने परिवार के सभी सदस्यों सहित विष्णु के धाम में जाता है। जो चांदी दान करता है वह चंद्रमा के लोक में पहुंचता है। धनतेरस से 5 दिनों तक घर, मंदिर व प्रमुख स्थानों पर घी के दीपक जलते रहने चाहिए। इससे जिनके श्राद्ध और तर्पण नहीं हुए हैं वे पितर भी मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। पितर सदा इस अभिलाषा में रहते हैं कि क्या हमारे कुल में भी कोई ऐसा उत्तम पुत्र उत्पन्न होगा जो कार्तिक में दीपदान कर श्री केशव को संतुष्ट कर सके। कार्तिक के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी यानी धनतेरस को घर के बाहर यमराज के लिए दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। इससे अकाल मृत्यु का नाश होता है और दीपक जलाते समय मृत्यु, पाशधारी काल व अपनी पत्नी के साथ सूर्य नंदन यमराज त्रयोदशी को दीपक प्रज्वलित करने से प्रसन्न हो, ऐसा कहना चाहिए। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी यानी रूप 14 पर जो व्यक्ति प्रातः काल स्नान करता है उसे नरक नहीं जाना पड़ता। स्नान के बीच में यमाय नमः, धर्मराजाय नमः, इस प्रकार यमराज के नामों का उच्चारण करके जल अर्पित करना चाहिए। कार्तिक कृष्ण अमावस्या यानी दीपावली को प्रातः काल स्नान करें और देवताओं व पितरों का पूजन व उन्हें प्रणाम करें और दही, दूध और घी आदि से ब्राह्मणों को भोजन कराएं। घर की स्त्रियां ब्रह्म मुहूर्त में लक्ष्मी जी का पूजन करें तो धन संपत्ति की कमी नहीं होती। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा अर्थात गोवर्धन पूजा को सुबह गोवर्धन पूजन करें। इस दिन मंदिर में 1.25 किलो बाजरा और चावल दान करने से घर में सुख समृद्धि और अनाज की अधिकता बनी रहती है। कार्तिक शुक्ल द्वितीया यानी भाई दूज पर यमराज की पूजा करें। इस दिन बहन के घर में उसके हाथ से बना भोजन करना उत्तम माना जाता है और बहनों को वस्त्र दान करें। इससे धन, यश, आयु, धर्म, काम और अर्थ की सिद्धि प्राप्त होती है। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें।